नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के सभी पदों को भी छोड़ दिया था। साथ ही बता दें कि वो आज आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो आज मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। इस रोड शो में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। इस दौरान निवेश संबंधी कई MOU साइन किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका का आज महासमुंद आगमन होगा। बता दें कि वो सुबह 10:30 बजे रायपुर से रवाना होकर 11:30 बजे सर्किट हाउस महासमुंद पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे गवर्नर जिला पंचायत महासमुंद में अधिकारियों की बैठक लेंगे और दोपहर 1:30 बजे वे वापस सर्किट हाउस पहुंचेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच योजना के स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू केस में टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने सरकार को भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के खिलाफ 15 जुलाई को वोडाफोन आइडिया की याचिका को स्वीकार किया था। नालंदा जिले के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आया है। श्रम संयुक्त भवन में आज एक विशाल जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में दो कंपनियां 368 पदों पर भर्तियां करेंगी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नालंदा के तत्वाधान में अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर परिसर में नियमित कर्मचारी आज भी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। बता दें कि कर्मचारी अपनी 20 सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर कार्य बहिष्कार करेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के निर्देशकों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की परियोजना के हिस्से के रूप में केरल राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित चुरूल आज सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बता दें कि ये फिल्म अरुण जे मोहन द्वारा निर्देशित है। आज थिएटर्स में फिल्म रहना है तेरे दिल में एक बार फिर से रिलीज होने जा रही है। बता दें कि गौतम वासुदेव मेनन के निर्देशन वाली इस फिल्म में आर माधवन, दिया मिर्जा और सैफ अली खान ने मुख्य भूमिका निभाई। ये एक लव स्टोरी फिल्म है जो सुपर हिट साबित हुई थी। दिल्ली और नोएडा में पिछले कई दिन से ही भारी बारिश हो रही है। इससे शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के कारण राजधानी की सड़कों पर कई जगहों पर जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी 30 अगस्त के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1659 में दारा शिकोह को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। आज ही के दिन सन 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना हुई थी। आज के दिन सन 1947 में B.R. अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। आज के दिन सन 1984 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली बार उड़ान भरी थी। आज के दिन सन 2008 में कृष्ण कुमार बिरला प्रख्यात उद्योगपति का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।